प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नववर्ष हर दृष्टि से बेमिसाल कार्य करते हुए पूर्ण किया। केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण के अपने संकल्प को पूरा कर देश ही नहीं दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर लगातार बढ़ रहा है। देश का हर नागरिक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित है। ये बातें आज पत्रकार वार्ता के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कही। सरकार ने 9 वर्षों में कई बड़े कार्य किए। उन्होंने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 48 करोड़ के जनधन खाते खोले गए, 9.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरित किए गए, देश के 3.5 लाख करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई, 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ, 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा जा रहा है, 3 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया जा चुका है, वहीं 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। एक पूरे प्रदेश में योजना बनाई जा रही है और मैं समझता हूं कि इस योजना के लागू होने से हमको राहत मिलेगी, लेकिन इसमें समाज का भी सहयोग जरूरी है। लोग गाय दूह करके फिर छोड़ देते हैं, शाम को फिर ले लेते हैं, तो ये आर्थिक प्रशासनिक समस्या के साथ साथ सामाजिक समस्या भी है और इसमें समाज की भागीदारी, समाज का सहयोग और समाज का जो पुराना प्रचलन था कि हमारे घर में एक गाय दो गाय हों, उसे अगर समाज स्वीकार करेगा तो निश्चित रूप से इससे राहत मिलेगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।